सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के एक न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए पियोडियो का 600 वाट, जो टॉप के लिए बेस्ट स्पीकर है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस स्पीकर का फुल रिव्यू करेंगे, इसके फुल स्पेसिफिकेशन भी बात करेंगे कि इसकी क्या वॉइस कॉल रहने वाली है, क्या पावर रेटिंग्स रहने वाली है, और फ्रेंड्स इस स्पीकर का क्लोज लुक और इसके साउंड टेस्टिंग भी देखेंगे कि कैसा रहता है इस हमारे इस स्पीकर का परफॉर्मेंस। पियोडियो जिसके स्पीकर्स काफ़ी बेटर रहते हैं, इसका आप लाइव और डीजे दोनों के लिए यूज कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा लोग पियोडियो के ब्रांड का यूज करते हैं क्योंकि ये परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो फटाफट से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप स्पीकर्स देख सकते हो, यहाँ पर ये स्पीकर्स पियोडियो की तरफ से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको स्पीकर्स कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसके वायर टर्मिनल को दिया गया है और यहाँ पर एक हैवी चुंबक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसका पावर रेटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 600 वाट का स्पीकर्स है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर ये पियोडियो का है, चैलेंजर सीरीज का है, और यहाँ पर आपको ये 8 ओम्स के अंदर मिल जाता है, और इसका मॉडल नंबर है C1500EL, जो एक 600 वाट का स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स के यहाँ पर आप डायफ्राम को यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिया गया है, यहाँ पर आप कौन है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर इसको आपको काफ़ी अच्छा जंपिंग मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्पीकर्स टॉप के लिए काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहता है सबका। पियोडियो के अंदर कोई टॉप के लिए स्पीकर्स माने तो यहाँ पर यही स्पीकर्स जो रहता है, जो ज़्यादातर लोग इसको चूज करते हैं क्योंकि इसका आउटपुट ही कुछ ऐसा है कि हर किसी को पसंद आ जाता है, और इसका परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी स्पीकर्स को टॉप के लिए चुनते हैं। तो अब दोस्तों इसके बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स की। तो यहाँ पर दोस्तों पियोडियो ने 600 वाट के स्पीकर के अंदर आपको 4 इंच की वॉइस कॉल मिल जाती है, इसके अंदर पहली तो यह बात है। तो यहाँ पर आपको टॉप के स्पीकर के लिए यहाँ पर आपको 4 इंच की वॉइस कॉल मिल जाती है, तो यहाँ पर ये अच्छी रहती है। फिर बात करते हैं इसकी सेंसिविटी की, तो यहाँ पर इसकी सेंसिविटी वो CDB तक की है। फिर यहाँ पर ये स्पीकर दोस्तों मिड प्लस लो फ्रिक्वेंसी का मेन रेस्पॉन्स रहता है, तो उस तरह से यहाँ पर ये टॉप के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पर इसके मैग्नेट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसने फेराइट का मैग्नेट यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ से आप दोस्तों इसके फ्रंट लुक को यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथली स्पीकर्स है और जिसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है, और डायफ्राम में वो भी काफ़ी अच्छे से दिया गया। आप देख सकते हो बड़ी आसानी से यहाँ पर ये जंपर ले रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आप इसके स्पाइडर को भी यहाँ से देख सकते हो, जो इसको जंप कराने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर दोस्तों मैं इसके बैक पैनल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको बीच में एरी के लिए जगह दी जाती है, तो यहाँ पर भी इसके अंदर हाई टेम्परेचर वाली वॉइस कॉल यूज की गई, तो यहाँ पर इसकी खुली जगह से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस स्पीकर का टेस्टिंग का वीडियो है, या जो मैंने अभी यूट्यूब पर पिछला वीडियो डाला है उसके अंदर मैंने इसी स्पीकर को चेक किया है, और आप मेरे चैनल पर LX600 वाट का जो एम्पलीफायर का रिव्यू क्या है उसके अंदर भी मैं इसी टॉप जोड़ी को चलाया, तो वहाँ पर आप वे दोनों वीडियो यहाँ पर स्क्रीन के अंदर शो हो रहे होंगे, वहाँ जाकर आप इस स्पीकर की टेस्टिंग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।